Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back, students. So today we are going to start our new topic, that is net of solid. Okay, and in this specifically we are going to study about net of a cube. Okay, so see, this is a cube. Okay, so whenever we will just हम क्या करेंगे, जैसे इसके क्यूब है ना, जब हम इसके जो ये साइड्स, इसके जो फेसेस हैं, हमें ये पता है कि क्यूब है, इसके सिक्स फेसेस होते हैं, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, फ्रंट एंड बैक. ओके, दीज आर द फेसेस. से ये एक फेस आ जाएगा, ये एक फेस. ठीक है, इन फेसेस को जब हम अलग करते थे, इन फेसेस को हम ऐसे अलग 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 कर रहे हैं, ठीक है ना, इन सबको ही जोड़ते एक नेट बनता है. ठीक है, तो हमें यही देखना कि जो एक सॉलिड है, क्या कोई पर्टिकुलर जो नेट है वो उसका बनेगा, यानी से ये है, इसका नेट ऐसे बन रहा है. ठीक है, अभी हमें इसको देखना है, विच कैन फॉर्म अ नेट ऑफ क्यूब. अभी नेट ऑफ क्यूब हमें समझने के लिए देखना है, एक बेस होती है, तो हम इसको अगर बेस ले लें, ओके, अभी इसको हम ऐसे उठा लें इस वाले साइड को, तो ये तो फ्रंट बन जाएगा, दैट्स ओके. अभी ये दो हैं, ओके, ये दो हैं, जब हम इस जो है, क्योंकि ये तो जुड़े हुए हैं, तो हम इसको उठा सकते. जब इसको उठाएंगे, हम देखते हैं जो ये बैक वाला है, बैक वाला तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन जो इसके साथ वाला टॉप था, वो टॉप ऐसे करके फिर ऐसे हो जाएगा, दैट मीन्स वो टॉप कवर कर लेगा, मतलब फ्रंट, बैक और टॉप वाला कवर हो जाएगा. अब बात आती है लेफ्ट और राइट की. सी, ये दोनों एक ही साइड पे हैं, दैट मीन्स ये दोनों इसी साइड से आ जाएंगे, मतलब जो पीछे वाला है इट्स ऑफ नो यूज, क्योंकि इसका बेस तो यहाँ पे है, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये यूज में है ही नहीं, दैट मीन्स दिस इज नॉट फॉर्मिंग अ नेट ऑफ क्यूब. सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, सी, हम इसको बेस ले रहे हैं, समझना, बेस ले रहे हैं, ये दो वैसे ही हैं, तो इनको हम ऐसे उठा के, एक वाला मतलब एक बैक ऐसे हो जाएगा और एक वाला ऐसे आ जाएगा, तो टॉप हो गया, यहाँ ये वाला साइड कवर हो जाएगा. इसको जब हम ऐसे, क्योंकि यहां से तो नहीं उठेगा ना, इसको जब हम ऐसे उठाएंगे, ऑब्वियसली जो ये ऐसे है वो ऐसे हो जाएगा, और जो ये इसके ऐसे है, ये ऐसे आके फ्रंट कवर कर लेगा, दैट मीन्स इसमें नेट ऑफ क्यूब बन जाएगा. ओके, सो अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर सिक्स डिफरेंट नेट्स गिवन. ओके, दे आर गिवन बिलो, ड्रॉ दीज. अब इसको आप नेट ऑफ पेपर पे ड्रॉ करो और देखो कि कौन, मतलब कैसे बन रहा है. ओके, जैसे ये भी बेस आएगी, ठीक है ना, ये फ्रंट कवर कर लेगा, ये बैक, ये टॉप, और ये एक साइड लेफ्ट, ये राइट हो गया. इसका अगर हम बात करें तो हम कर सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं बेस, ये तीन जब ऐसे उठ के आएंगे तो ये बन जाएगा बैक, ये टॉप, ये फ्रंट, ये लेफ्ट, ये राइट. बस सिमिलरली हमें इसी हिसाब से इसको करना है. एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट द चैप्टर, दैट इज द कंस्ट्रक्शंस. ओके.